तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि विंडो 11 को आप कैसे इंस्टॉल कर सकते हो अपने विंडो 10 वाले कंप्यूटर पीसी लैपटॉप में। एंड इस वीडियो में आपको पूरा स्टेप बताऊंगा कैसे आपको डाउनलोड करना है ISO फाइल एंड कैसे आपको इंस्टॉल करना है। गाइस सबसे पहले आपको विंडो 11 का ISO फाइल चाहिए तो मैंने कम्युनिटी टैब पे एक वीडियो का लिंक दिया है, उस वीडियो को जाकर देख लेना, उसमें आपको ये ISO फाइल देखने को मिल जाएगा। तो अब देखो गाइस आपको इसे डाउनलोड करना है एंड डाउनलोड करने के बाद अब हम चलते हैं इंस्टॉलेशन प्रोसेस की ओर। तो हमारा सेकंड स्टेप है वो है कि हमें विंडो 11 का बूटेबल पेन ड्राइव बनाना है। अगर आपको बूटेबल पेन ड्राइव बनाने नहीं आता है तो यूट्यूब पे जाकर आपको सर्च करना है हाउ टू मेक बूटेबल पेन ड्राइव, बहुत सारे वीडियो आपको देखने को मिल जाएगा। किसी भी एक वीडियो को आप देख लो अच्छे तरीके से, आपको समझ में आ जाएगा। फिर भी आपको कोई दिक्कत होता है तो नीचे कमेंट करो, मैं इसके ऊपर डेडिकेटेड वीडियो बना दूंगा। अब गाइस जो हमारा थर्ड नंबर पे स्टेप ये है कि आपको बूटेबल पेन ड्राइव को अपने लैपटॉप में लगाना है एंड आपको बूट की आपको दबाना है अपने लैपटॉप में। एंड जैसे आप बूट की दबाओगे आपके सामने बूट ऑप्शन आ जाएगा एंड वहां से आपको पेन ड्राइव को सेलेक्ट करके उसे ओपन करना है। एंड यहां पे कुछ ऐसा इंटरफेस गाइस आपके सामने ओपन हो जाएगा। तो यहां पे देखिए बाय डिफॉल्ट ये सारा चीज ऐसे ही रन दीजिएगा। लैंग्वेज एंड करेंसी आप चाहो तो यहाँ पे US के जगह इंडिया भी कर सकते हो। एंड यहाँ पे गाइस हम नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे एंड यहाँ पे गाइस इंस्टॉल के ऊपर हम क्लिक करेंगे। एंड जैसे हम इंस्टॉल के ऊपर गाइस क्लिक करेंगे कुछ ऐसा इंटरफेस आपके सामने ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पे गाइस आपको क्या करना है, आई डोंट हैव अ प्रोडक्ट की के ऊपर आपको क्लिक करना है। आपके पास कोई भी प्रोडक्ट की नहीं है इसके ऊपर हम क्लिक करेंगे एंड यहाँ पे कुछ ऐसा इंटरफेस आपके सामने ओपन हो जाएगा। आप देख सकते हो विंडो 11 का ये जो भी वर्जन है वो सभी वर्जन हमें देखने को मिल रहा है। हमें कुछ नहीं करना है, बस हमें विंडो 11 का प्रो वर्जन हमें इंस्टॉल करना है। तो यहाँ पे देखिए गाइस विंडो 11 प्रो के ऊपर आपको क्लिक करना है एंड नेक्स्ट के ऊपर गाइस आपको क्लिक कर देना है। जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करोगे तो फिर आपसे यहाँ पे आपको परमिशन मांगेगा, तो यहाँ पे एक्सेप्ट के ऊपर आपको क्लिक कर देना है। यहाँ पे देखिए टिक कर देना है एंड देन यहाँ पे आपको नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करना है। जैसे आप नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करोगे तो यहाँ पे गाइस आपको कस्टम के ऊपर क्लिक करना है एंड यहाँ से आपका जो पार्टीशन है, आपका जो भी हार्ड डिस्क होगा वो आपको देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे आपने जो भी पार्टीशन क्रिएट किया होगा एंड जिस पार्टीशन में आपको इंस्टॉल करना है तो उसको आपको सेलेक्ट कर लेना है। यहाँ पे मेरे केस में बस एक पार्टीशन है, वो भी 60 GB का, तो मैं इसको सेलेक्ट कर लेता हूँ एंड देन यहाँ से आपको नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कर देना है। जिसमें भी आपको विंडो 11 इंस्टॉल करना है वो पार्टीशन आपको सेलेक्ट कर लेना है। यहाँ पे गाइस जो भी आपका प्रोसेस होगा उस प्रोसेस को होने देना है एंड जितना भी समय लगे आपको वेट करना है। एंड यहाँ पे गाइस देख लो जैसे आपका 100% हो जाएगा, जैसे फिनिश अप हो जाएगा उसके बाद आपका कंप्यूटर पीसी लैपटॉप रीस्टार्ट होगा एंड रीस्टार्ट होने के बाद गाइस आपका विंडो कुछ ऐसा ओपन हो जाएगा विंडो 11। तो जैसे रीस्टार्ट हो उसके बाद आपको अपने पेन ड्राइव को निकाल देना है एंड उसके बाद गाइस आपका जो विंडो 11 है उसका आपका लोगो देखने को मिल जाएगा, जैसा गाइस यहाँ पे आप देख सकते हो। एंड यहाँ पे आपको 5 से 10 मिनट वेट करना है, जैसा कि आप देख लो अभी गेटिंग रेडी का आ जाए वैसे आपको वेट करना है। एंड जैसे ये लोडिंग ले लेगा उसके बाद में आपको आगे का प्रोसेस बताता हूँ। यहाँ पे गाइस देख सकते हो फाइनली हमारा विंडो 11 इंस्टॉल हो गया है एंड यहाँ से आपका ये कंट्री पूछ रहा है कोई कौन सा कंट्री है, तो आप बाय डिफॉल्ट यूनाइटेड स्टेट या फिर इंडिया सेलेक्ट कर लेना। मेरे केस में मैं यही रन देता हूँ, यस के ऊपर क्लिक करता हूँ एंड यहाँ पे गाइस आपको इंग्लिश इंडियन इंडिया करके आपको यस क्लिक कर देना है एंड यहाँ पे आपको एस्केप के ऊपर क्लिक कर देना है। एंड यहाँ पे गाइस आपको पर्सनल यूज के लिए आप इसे यूज कर रहे हैं विंडो 11 को, तो आपको इसके ऊपर क्लिक करना है देन आपको नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कर देना है। तो यहाँ पे गाइस आपको अपना जो भी आपका विंडो 11 का नाम देना है तो यहाँ पे मैं अपना नाम दे देता हूँ एंड यहाँ पे मैं नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कर देता हूँ एंड पासवर्ड मैं नहीं रहने दूंगा, फिर नेक्स्ट के ऊपर मैं क्लिक कर दूंगा एंड यहाँ पे इस सभी को आपको ऑफ कर देना है। एंड यहाँ पे मैं एक्सेप्ट के ऊपर क्लिक कर दूंगा। तो यहाँ पे गाइस आप देख सकते हो कि हमारा फाइनली विंडो 11 इंस्टॉल हो गया है एंड हमें कुछ ऐसा इंटरफेस देखने को मिलता है गाइस। और बाकी गाइस आप देख लो बहुत ही अच्छा हमें लुक देखने को मिल रहा है। विंडो 10 में आपको यहाँ पे सारे आइकन देखने को मिलते थे लेकिन ये आपको सेंटर में कर दिया गया है बीच में। अब देखो गाइस यहाँ पे आपको कंप्यूटर का आइकन देखने को नहीं मिल रहा है, तो इसके लिए गाइस आपको क्या करना है, यहाँ पे आना है एंड सर्च बॉक्स के ऊपर गाइस क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करोगे सेटिंग का ऑप्शन देखने को मिल रहा है, इसके ऊपर गाइस आपको क्लिक कर देना है एंड जैसे गाइस आप इसके ऊपर क्लिक करोगे तो गाइस यहाँ पे आना है आपको पर्सनलाइजेशन के ऊपर, इसके ऊपर गाइस आपको क्लिक कर देना है। एंड जैसे आप गाइस क्लिक कर दोगे तो फिर यहाँ पे आना है आपको थीम के ऊपर
एंड जैसे आप गाइस थीम के ऊपर आओगे तो सिंपली यहाँ पे देखिए हमें डेस्कटॉप आइकन का ऑप्शन देखने को मिल रहा है। इसके ऊपर गाइस आपको क्लिक कर देना है, फिर कंप्यूटर के ऊपर क्लिक करके आपको इसे अप्लाई कर देना है एंड ओके के ऊपर गाइस क्लिक कर देना है, आपको इसे कट कर देना है। तो यहाँ पे गाइस आप देख सकते हो कि हमारा जो कंप्यूटर का आइकन था वो आ चुका है। अब मैं आपको इसे ओपन भी करके दिखा देता हूँ कि हमें जो कंप्यूटर का इंटरफेस है कैसे देखने को मिलता है। बाकी गाइस इसका लुक जो है बहुत ही ऑसम लुक है, आप देख सकते हो हमारा जो विंडो 11 है बहुत ही अच्छे तरीके से कस्टमाइजेशन किया गया है। बाकी गाइज आप विंडो 10 का ही सारा चीज आपको सेटिंग देखने को मिल जाता है, कुछ भी अलग नहीं है, बस इसका इंटरफेस अलग किया गया है, यानी कि इसके बॉडी को मतलब कि सजावट को इसको और सुंदर बना दिया गया है। आप देख सकते हो यहाँ पे कलर वाला फोल्डर आ गया है एंड यहाँ पे गाइज आप देख लो कि हमें कुछ आइकन ऐसे देखने को मिल रहा है जो कि लोकल डीसी है एंड बाकी हमें विंडो 10 में आप देख सकते हो पहले कैसे देखने को मिलता था। अब गाइज यहाँ पे कुछ हम नीचे और भी सब देख लेते हैं एंड यहाँ पे हमें ये साइड में जो मैसेज का ऑप्शन था वो भी हमें विंडो 10 की तरह ही देखने को मिल रहा है, जो भी विंडो 10 के जैसा ही है, कुछ भी अलग नहीं है, कोई भी सेटिंग अलग नहीं है एंड कोई पहले जैसे आप विंडो 10 को यूज करते थे बस आप वैसे ही विंडो 11 को यूज करो, कोई दिक्कत नहीं है। बस इसमें कुछ एडवांस चीज ला दिया गया है, जो भी सिक्योरिटी है उसको बढ़ा दिया गया है एंड जो इसका लुक है वो भी अच्छे तरीके से कर दिया गया है। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा, फिर मिलते हैं हम न्यू वीडियो में।